आ चुके हैं संवाद का रिजल्ट लेने। तो मैम भी यही है। रो, ऐसा कैसे हो सकता है सम्राट। मैम थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू। पास पास स्टार ऑफ द क्लास सम्राट शर्मा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सम्राट खड़े हो। ए गोल्डन। अरे वाह, पहली बार गोल्डन जीता है। जाओ मैम के पैर छुओ। मैम के आशीर्वाद से सब हुआ है। A few moments later. Hey guys, तो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सम्राट ने दी है। सम्राट को गोल्ड मेडल मिला है। पहली बार गोल्ड मेडल लिया है। अपनी क्लास का शाइनिंग स्टार है सम्राट। बहुत ही ज्यादा खुशी के पल। फ्रेम फोटो, इसे फ्रेम करवाऊंगा, इसे भी फ्रेम करवाऊंगा। फोटो तो सब कुछ ले लिया ना। तो आज है बहुत खुशी का दिन। फाइनली सम्राट सेकंड आई है क्लास में। सेकंड आई है, फर्स्ट आई है। सेकंड पोजीशन आई है, शाइनिंग स्टार सेकंड पोजीशन पूरी क्लास में। गोल्ड का तो मिल गया। और क्या, तो चलते हैं हरिद्वार और वहाँ चल के करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें। क्योंकि आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि फाइनली सम्राट ने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन हाईएस्ट मार्क्स में रहा है। तो आज हूँ मैं बहुत खुश। लेटर। फाइनली गाइस, हम लोग अब हरिद्वार जा रहे हैं और बस थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सम्राट की सेकेंड पोजिशन आई है उसकी क्लास में। और ये सब शिव जी की बहुत ही बड़ी आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि ऐसा हो पाया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, मतलब इतना भी यकीन नहीं था। मेहनत मैंने बहुत करी थी उसके साथ, पर फिर भी थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। बट फाइनली सब ठीक हो। आई एम सो हैप्पी। है सम्राट, पहली बार सोच रहा है ये कि पहली बार पास हुआ। नहीं, फर्स्ट आया। फर्स्ट क्लास में पढ़ाई भी तो बहुत थी ना। अब फर्स्ट क्लास में इतना हार्ड था पढ़ाई करना। अरे कम से कम गोल्ड तो ले आया। और टेबल कंपटीशन में फर्स्ट आया है, गोल्ड मिला है, गोल्ड का अवार्ड मिला है सम्राट। सम्राट को टेबल्स कंपटीशन में उसे फर्स्ट पोजीशन मिली है, गोल्ड का अवार्ड मिला है। तो शंकर भगवान के पास सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया शंकर जी ने। और मैं मतलब अपने एक्सप्रेशन, अपने जज्बात इस समय बयान नहीं कर सकती, पर मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो अब चलते हैं हरिद्वार और मिलते हैं आपको हरिद्वार में और दिखाते हैं वहाँ के प्यारे प्यारे से दृश्य आपको शंकर भगवान की नगरी के। गाइज, हमने लिया बहुत ही सारा खाने पीने का सामान क्योंकि सुबह हमने सिर्फ चाय पी के ही घर से निकल दिए थे जल्दी। फिर हमने लिए बहुत अच्छे से समोसे, टेस्टी, बहुत टेस्टी समोसे थे, मतलब मन खुश हो गया। उसके साथ ही हमने लिए थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और कुछ पीनट्स और एक जूस, क्योंकि सफ़र में बच्चों के साथ ना जूस वगैरह लेते रहो तो ठीक रहता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता था। लेट है। हरिद्वार थोड़ा दूर पड़ जाता है काशीपुर से। एटलीस्ट हमें 5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। इसी बीच सब लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके। खुश रहिए जीते। ये मेरे देवर हैं, भोला भैया। वैसे उनका नाम मुकुल है, बहुत सीधे हैं इसलिए उनको हम प्यार से भुला कहते हैं। और उसके बाद सब लोग मिलके सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं। तो सभी लोग फिर जाते हैं।
फिर वहीं पे एक बहुत ही अच्छी सी शॉप थी जिसमें काफी सारी चीजें अलग अलग वैरायटी की मिल रही थी। दीदी से कुछ और सम्राट यहाँ अपनी बुआ जी के साथ शॉपिंग करने लग गया। मैं मना कर रही हूँ तो उसकी बुआ कह रही है आप रहने तो कुछ बोलो मत, इसे लेने दो। और सम्राट चॉइस कर रहा है कि क्या ले, कौन सी गन ले, और फाइनली वो यही वाली गन ले लेता है। मुझे ज़्यादातर वॉइस ओवर ही करना पड़ा क्योंकि सभी लोग थे और फिर यहाँ आवाज़ भी थोड़ी हल्की आ रही थी, पर ये काफ़ी अच्छी जगह थी। यहाँ बहुत खिलौने भी थे और शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा था, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो गाइज अभी हम हरिद्वार के आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, पीते हैं, कुछ करते हैं, अच्छा सा कुछ खाते हैं, पीते हैं और फिर पहुँचते हैं जल्दी से हरिद्वार। A few moments later. हरिद्वार पहुंचते ही हम पहुंचे गुरु माँ के आश्रम में। गुरु माँ के आश्रम में जाकर बहुत ही शांति और सुकून का वातावरण था, बहुत ही अच्छा लगा। और माता जी जो है वो सभी से इतना स्नेह करती है ना कि वहां जाके सिर्फ आपको खुशी मिल सकती है, बहुत खुशी। माता जी इतने वात्सल्य से मिलती हैं और इतनी प्यारी और अच्छी ज्ञान वाली बातें करती हैं ना कि मतलब बहुत अच्छा लगा उनके पास जाके। और मुझे तो ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत प्यार किया, सुबह भी मैंने उनसे बहुत बातें की, बहुत सारी अध्यात्म की, बहुत अच्छा लगा मुझे। One hour later. ये माता जी का डाइनिंग एरिया था और फिर हमने यहीं पे बैठ के आराम से चाय पी और माता जी इतना प्यार कर रही थी कि मतलब वो भी खुश थी हमारे आने से। वो खुद मतलब मिठाई वगैरह लेके अपने हाथों से मतलब सबको दे रही थी, ज़रा भी गुरूर नहीं था, मतलब बहुत ही प्रेम था। माता जी आशीर्वाद देते हुए माता जी का आशीर्वाद तो सबके साथ रहता है हमेशा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, बहुत कीमती होता है, बहुत मतलब मैं सच में सोचती हूँ जब किसी साधु संत के सामने हमारे साधु में हो जाए तो मतलब कोई पुण्य है जिसकी वजह से ये हो गया। वरना वाकई में दीदी बहुत कठिन। तो वहाँ पर जाकर हम माता जी के ही आश्रम में रुके थे। वहीं पे हमने सोचा कि जब हरिद्वार में आए हैं तो होटल में भी रुक सकते थे, लेकिन आश्रम में मंदिर भी था और वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि माता जी से बातें करने को भी मिल रही थी और वो बहुत अच्छा काफ़ी सारी मतलब आध्यात्मिक चीज़ें। रेडी हो चुकी हूँ, हम तैयार हो चुके हैं और गंगा आरती पर जा रहे हैं। हमने बच्ची है, अपना नाम अनन्या। हमारे संग पे देखो 12 बज रहे हैं। हमने लगा रखा है बिल्कुल सच बात है। चप्पल उतार दे।
जनकल्याणार्थम जनकल्याणार्थम नित्यप्रति आगन्तुकानां तीर्थयात्रियाणां कल्याणार्थम सर्वा अभ्युदये प्राप्तये सर्वे।